जी यहाँ आइए ना, मैंने 25 आदमी थे यहाँ आइए आप यहाँ आइए ना। तीन राउंड सर पानी के नल जल पे चला, टंकी पे तीन राउंड मेरे दरवाजे पे जी। आया प्रशासन, एक खोखा भी ले गया प्रशासन बड़ा बाबू, एक खोखा मिला उनको जी। सर कल आवेदन कर दिए हैं कल से, तो सब पता नहीं कहाँ है जी। वार्ड मेंबर ही सर हुआ है जी जी। कुछ दूरी में है सर, 200 मीटर की दूरी पे जी जी सर। ₹24,000 आया हुआ है, फिर ₹8,000 आया हुआ है जी, फिर आया सर। नहीं सर, एक भी पैसा नहीं मिला है जी, पैसे के लिए पंचायत बैठा हुआ है। पंचायत के सब मुखियों का चल गया, उसके बाद हुआ है सर ये तो जी। जी सर, किसी का बात नहीं माना तो सब चला गया, उसके बाद गोली चलाया है जी। जी सर, जी सर पहले से भी है उसका रिकॉर्ड सर जी, सर पहले से भी है उसका रिकॉर्ड। वहां जो वार्ड 11 के और जो सुमन कुमार जी, उनको एक महीना से टॉर्चर कर रहे थे, और वहाँ के जो वार्ड अध्यक्ष है, वार्ड मेंबर, वो दबंग है, क्रिमिनल माइंडेड है और करेक्टरलेस भी है, लेकिन उसको सह किसका मिला हुआ है? वहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों का। वहाँ के जितना जनप्रतिनिधि है, वार्ड मेंबर से लेकर के जितने मुखिया तक के, उसी के सह पर गोलीकांड हुआ है। आज वहाँ के एक सरपंच हैं, वो पानी चलवाए हैं वार्ड मेंबर से, क्यों? क्योंकि तुमको थाना कुछ नहीं करेगा, हम हैं ना। तो हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ देखे हैं, और समाज बड़ा बाबू बोले हैं कि असामाजिक तत्व को इसी समाज के जनप्रतिनिधि लोग बढ़ावा दे रहे हैं, अगर एक सप्ताह के अंदर में गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम अनिश्चितकालीन आपके कार्यालय को घेर लेंगे, रोड जाम कर देंगे, जवाब आपको देना होगा। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आज हम लोग सुबह 6 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक के हम लोग वहाँ थे, उस पंचायत का भ्रमण किए हैं, एक एक लोगों से मिले हैं उस वार्ड में, और हकीकत पता लगाए, और जब हकीकत पता लग गया तब हमने थाना को फोन किया और थाना से बातचीत किया, और गए रह करके हम लोगों ने कहा कि जब तक मुकदमा नहीं लीजिएगा तो अगली बार हम लोग आपको घेरने का काम करेंगे। नरेश जी से कई बार बातचीत हो रही थी, कह दिए थे, प्लानिंग तो था यहाँ का आने का, लेकिन इमरजेंसी कल वहाँ घटना घट गई है।